Back to the channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good, and my videos are helping you all. सो so, आज हम करेंगे सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो जैसे कि आप सभी ने जो है वो रियलिज्म और आइडियलिज्म अप्रोच जो है वो कर लिया है बट कियू के सिलेबस में जो है वो सिस्टम अप्रोच और वेरियस और अप्रोचेज़ भी हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सो so, धीरे धीरे हम सारी अप्रोच को जो है वो कवर करेंगे सो so, आज हम अपनी थर्ड अप्रोच करने जा रहे हैं दैट इज़ सिस्टम अप्रोच तो बेसिकली जैसे हमने देखा था रियलिज्म में है ना रियलिज्म में मेन हमने सिर्फ इसका बेसिक देखा था फिर उसके मोरगेंथ्यू के जो थे छह आई थिंक सिक्स प्रिंसिपल तो अब हम इसी में भी यही करेंगे कि मेनली हम इसका सिर्फ मीनिंग देखेंगे कि रियलिज्म का इसका सिस्टम अप्रोच का क्या मीनिंग होता है देन हम क्या करेंगे इसके जो है मेन जो है वो मॉर्टन कैपलिन ठीक है इनके जो मेनली व्यूज़ हैं इसमें वही क्वेश्चन आता है तो हम बेसिकली एक सिस्टम अप्रोच का मीनिंग देखेंगे कि सिस्टम अप्रोच किस चीज़ को कवर करती है या किसके ऊपर वो बनी हुई है है ना तो देन हम इसके इनके मॉर्टन कैपलन के जो है वो व्यूज़ देखेंगे है ना हमें सिस्टम अप्रोच फलाना ढिमकाना तो हमने इतना नहीं करना क्योंकि जो हमारा मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा मॉर्टन कैपलन का है ना तो उसके लिए कि ये सारी चीज़ें पढ़ना तो वो हमारे लिए आ, वेस्ट है तो ओके तो मैं आपको क्या बताऊंगी मेनली इसका थोड़ा सा मीनिंग और मेनली सिस्टम अप्रोच होता गया और वो दैट इज़ इट और आप इसमें से कोई एक डेफिनेशन जो है वो ज़रूर करना है ना सो so मीनिंग में देखो क्या था सिस्टम अप्रोच के इमर्ज होने के बाद इसके जो है वो जन्म लेने के बाद क्या हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है इसने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले किया ओके okay, कहते हैं जब इसका बर्थ हो गया इस इस चीज़ का जो है वो इन्वेंट हुआ सिस्टम अप्रोच जब आई तो इसके बाद क्या हुआ लार्ज इसने क्या किया काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो है उन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया क्यों अट्रैक्ट किया सो so दैट की कहते हैं एक तरह का कन्वीनियंट टूल हो गया सो so दैट की हम क्या कर सके मैक्रोकॉस्मिक एनालिसिस कर सके मीन्स हम पूरे वर्ल्ड का पूरे यूनिवर्स का इंटरनेशनल लेवल पर पोलिटिकली एनालिसिस कर सके तो उसमें हेल्प करती है हमारी सिस्टम अप्रोच ओके तो सिस्टम अप्रोच की ये वाली आप डेफिनेशन को ज़रूर कर लेना ठीक है एक डेफिनेशन जो है वो ज़रूर कर लेना तो इतना सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं कि सिस्टम अप्रोच क्या होती है तो मैं आपको एक छोटे से वर्ड में बताती हूँ लाइक like, यहां पे समझाती हूं ठीक है फॉर एग्जांपल अब आपको पता है सिस्टम क्या होता है, है ना सिस्टम वो चीज़ होती है जो कि हर हर एक पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो उसे हम पूरी चीज़ को बोलते हैं कि ये क्या है सिस्टम है है ना जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी है ना ह्यूमन बॉडी भी जो है वो क्या है एक तरह का सिस्टम है सिस्टम पे वर्क करती है क्यों क्योंकि हमारे हाथ ठीक है हमारे हाथ पैर हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन है ना एक सिस्टम है क्यों क्योंकि वो सारे आपस में इंटर रिलेटेड है ओके तो सिस्टम का क्या मतलब है सिस्टम में क्या है सारे जब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है जो है वो फंक्शन कर रहे हैं कि अगर एक खराब हुआ तो दूसरा भी खराब हो जाएगा तो इस तरह से हम बोलते हैं एक सिस्टम अप्रोच ओके तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि सिस्टम अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कैसे वर्क करती है और मॉर्टन कैपलिन का जो है वो क्या इसके पीछे विचार है कि क्या उनके व्यूज़ हैं सिस्टम अप्रोच को लेके वो हम अब करेंगे सो आई होप आपको सिस्टम इसमें हमने सिस्टम का क्या अप्रोच है वो आपने देख लेना आपको इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मिल जाएगा ऐसी सिस्टम अप्रोच जो क्या है? करती है एनालिसिस करती है इंटरनेशनल रिलेशन का एज अ सिस्टम एज अ सिस्टम व्हाट की इंटरक्शन होती हैं सभी देशों के बीच में जो कि क्या होती हैं इंटरडिपेंडेंट होती है और आपस में क्या होती हैं इंटर होती हैं ओके okay, तो ये हो, ये आपने मेन मीनिंग लिखना है और आप इसको जो है अपनी जो है वर्ड्स में जैसे मर्जी लिख सकते हो आगे लिखा है एक्टर वर्ड दिखेगा ना एक्टर वर्ड जो है वो आपको यहाँ पे बड़ा दिखेगा तो एक्टर मीन्स का मतलब होता है नेशन ठीक है तो कहते हैं एक तरह का ये इंटरनेशनल uh, रिलेशन में क्या करती है ये एक तरह का बिहेवियर uh, देखती है सारे इंटरनेशनल एक्टर का मीन सारे इंटरनेशनल जो वो है मेन नेशन का जो लीडर होगा या मेन नेशन होगा वो कैसा परफॉर्म करता है उसका बिहेवियर कैसा है वो ये सिस्टम अप्रोच जो है वो एनालिसिस करती है ओके okay? तो एक्टर का वर्ड जहाँ पर भी आए इसका मतलब ये होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो नेशन के बारे में बात कर रहे हैं ओके सो बस अब हमने मेन फोकस जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम पे करना है इन द व्यू ऑफ मॉर्टन कैप्लन और इनके जो है वो सिक्स मॉडल लिखने हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो आपने इतना ज़्यादा जो बड़ा यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मतलब मीनिंग्स लिखी हैं तो आपको इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है आपका मॉर्टन कैपलिन पर ही आएगा ओके सो so, अब देखो व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ठीक है मॉर्टन कैपलिन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है ओके सो मोर्टन कैपलन कंसीव्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एज एन एनाटिकल एंटिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर इन इंटरनेशनल एक्टर एंड द रेगुलेटिव कहते हैं कि मॉर्टन कैपलन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सिस्टम है वो क्या करता है एक्सप्लेन करता है बिहेवियर को इन इंटरनेशनल एक्टर ठीक है तो इंटरनेशनल लेवल पे हर एक जो नेशन है उनके बिहेवियर को जो है वो सिस्टम अप्रोच एक्सप्लेन करती है ओके okay? तो अब देखेंगे सिस्टम जो है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है वो करता है कि मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट कैसे चल रहे हैं सारे नेशन में आपस में सेंटर ऑफ कल्चर क्या है एरियाज़ ऑफ लैंग्वेजेस तो पूरा हमारा जो वर्ल्ड है जैसे कि ऐसे देखो पूरा हमारा वर्ल्ड है यहाँ पे पूरे यहाँ पे और पूरा वर्ल्ड जो है अलग छोटे छोटे नेशंस में डिवाइड है है ना तो वो सारे आपस में जो है कोई ना कोई नेशन जो है वो आपस में जुड़ता ही जुड़ता है क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी नेशन ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट है है ना तो जो जब दो नेशन जो है वो या तीन नेशन जो है वो मिलकर अपना काम चला रही हैं है ना मिलकर अपना काम चला रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोर्ट पोर्ट या फिर रिलेशन्स रखेंगे है ना तो वो एक अपना सिस्टम जो है इन सभी का जो अपने अपने नेशन का सिस्टम है वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होगा है ना तो इन्फ्लुएंस होगा तो यही बताया कि जो इंटरनेशनल लेवल पे इनके सिस्टम चलेंगे या इनका नेशन का काम चलेगा वो कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होगा तो ये पूरा सिस्टम अप्रोच क्या क्या कंसिस्ट करेगा कि इन सभी के रिलेशन्स कैसे हैं कल्चरल रिलेशन्स कैसे हैं ओके सो और मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज़ कर है कि यहां से सीधा ही सी से एक दूसरे के ओशन से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं कैसे कर रहे हैं लैंग्वेज का कैसे कर रहे हैं ये डिवीजन ऑफ क्लास कैसे चल रहा है कोई बैरियर्स मार्केट्स ये सारा कुछ जो है वो सिस्टम अप्रोच डील करता है ओके okay, सो so ये किसके व्यूज में हमने किया मॉर्टन कैपलिन के जो है वो हमने व्यूज में किया अब इनके जो है वो हम सिक्स मॉडल्स जो है वो देखेंगे सो so, अब हम करेंगे सिस्टम अप्रोच व्यूज़ ऑफ मॉर्टन कैप्लिन ओके सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो तो, सिस्टम अप्रोच है वो क्या करवाती है इट इज़ ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ इंटरेक्शन ये ऑलवेज़ क्या करते हैं सारे नेशन ऑलवेज़ क्या करते हैं इंटरेक्शन एक्सचेंज करते हैं सिस्टम अप्रोच में क्या होता है ऑलवेज़ एक्सचेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन का किसमें एक्टर में और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में कि पूरा वर्ल्ड है इसका मतलब क्या है एक पूरा वर्ल्ड है, इसमें क्या हुआ? वेरियस नेशन जो है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं ऑलवेज ओके तो क्या होता है इनमें आपस में क्या होता है एक तो इंटरेक्शन होता है और दूसरा किसमें वेरियस नेशन या फिर एक्टर्स में और दूसरा क्या होता है इन्वॉलमेंट क्योंकि पूरा ये नेशन में इन्वॉल्वमेंट तो होगा तो कई नया अगर कुछ नया इंटरेक्शन हुआ है नई उन्होंने लाइक शेयर किया है कुछ आपस में इंटरेक्शन शेयर किए न कल्चर अपने इन्होंने इन्हांस किया है अपना कोई नेशंस ने मिलकर तो उससे क्या होगा पूरे इन्वामेंट के साथ भी उनका इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज होगा तो पूरा सिस्टम क्योंकि पूरे पूरे वर्ल्ड का सिस्टम जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है सारे नेशंस के साथ तो अगर इन दोनों में कुछ होगा कोई दो नेशंस में कुछ होगा तो पूरे इन्वायरमेंट के साथ भी क्या होगा इंटरेक्शन आएगा Basically, system approach है ना बेसिकली सिस्टम अप्रोच क्या करती है एज़ इन द व्यूज ऑफ मोटन कैपलिन की वो क्या करती है एग्जामिन करती है चेंजेस का कि क्या हुआ इंटरनेशनल सिस्टम में कि जो भी अगर चेंज आया है ना कुछ भी अगर चेंज आया तो क्या चेंज क्या Sys, पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा पूरे इंटरनेशनल लेवल का और जो सारे एक्टर्स आई मीन सारे नेशन है उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सारा सिस्टम अप्रोच जो है वो देखता है एज इन दियूज ऑफ मोटन कैपलेन ओके तो इन्होंने जो है अपने सिक्स मॉडल जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम पे जो है वो दिए हैं इन द कंटेस्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मॉटर्न कैप्ले ने जो है वो अपने सिक्स प्रिंसिपल दिए हैं कौन कौन से दिए हैं द फर्स्ट वन इज़ बैलेंस ऑफ पावर जो कि आप अच्छे से अब तक कर आए होगे है, okay? है ना कि बैलेंस ऑफ पावर पर मैंने वीडियो बनाई है आप जरूर देखना देन है द लूज़ बायोपोलर सिस्टम देन द टाइट बायोपोलर सिस्टम दैन द यूनिवर्सल सिस्टम द हाकिल सिस्टम और द यूनिट वीटो सिस्टम तो ये सिक्स मेन मॉडल्स हैं जिनको अब हम जो है वो ब्रीफली पढ़ेंगे ओके द फर्स्ट वन इज़ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम तो इनको जो है आ, मैं अच्छे से इसकी जो है आ, अलग से इसकी वीडियो बना चुकी हूँ तो अगर किसी ने भी जो है इसके ऊपर वीडियो देखनी है कि यहाँ पर अगर उनको सिक्स पॉइंट्स में इजिली अच्छे से समझ नहीं लगा तो वो बैलेंस ऑफ पावर की जो है वो सेपरेट वीडियो ज़रूर देखना मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी जो है इसका अटैच कर दूंगी, ओके okay? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप सिक्स पॉइंट या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन ईजिली खुद से ही दे सकोगे सो so, आगे है द मॉडल रेफर्स द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम दैट ऑपरेट इन 18th और 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप तो इस मॉडल ने जो है वो बैलेंस ऑफ पावर किसके अकॉर्डिंग बताई है एटीन और नाइनटीन सेंचुरी के यूरोप के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उन्होंने बताई हुई है तो so, ये एक तरह का क्या है पॉपुलर मॉडल रहा है बैलेंस ऑफ पावर जिसमें हमने क्या देखा है पावरफुल रिलेशन देखे हैं अमंग फाइव और सिक्स मेजर पावर जिसमें हमने पाँच और छः मेजर पावरफुल कंट्रीज होंगी उसमें हमने देखा है कि पावर जो है वो कैसे बैलेंस रहती है एट इंटरनेशनल लेवल पे ओके okay. तो इन्होंने अपने सिक्स बेसिक रूल दिए हैं बैलेंस ऑफ पावर के लिए. सबसे पहला पॉइंट है ई एक्टर सिक्स टू ई चैप्टर थर्स to इंक्रीज़ इट्स कैपेबिलिटी through negotiation एंड नॉट through resort टू वॉर तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती दे हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर होती क्या है ठीक है तो मीन्स बैलेंस ऑफ पावर क्या होगी ऐसा टाइम होता है कि जिसमें जो भी पावरफुल जो भी पावरफुल नेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीन जो है चार बना लेते हैं हम चार पावरफुल नेशन चल रहे हैं ओके okay, तो इनमें जो पावर होगी वो इक्वल होगी कि अगर इसके पास दो न्यूक्लियर वेपन चल रहे हैं तो इनके पास भी दो ही होंगे इनके पास भी दो ही होंगे और ये भी यही ट्राई करेंगे कि इनके पास दो ही हों तो अगर कोई बढ़ाता है तो इसकी वजह से सारे जो है वो अपने अपने वेपन जो है वो बढ़ातेंगे बढ़ाई जाएंगे तो बैलेंस ऑफ पावर में मेनली यही होता है कि जिसमें पावर्स का जो है वो बैलेंस चले कि जितना इन एक कंट्री के पास होगा वही जो है बाकी कंट्रीज़ भी उतना ही जो है वो बैलेंस पावर जो है वो लेके चले तो इस तरह से वो नेगोशिएशन करते रहते हैं फॉर एग्जांपल अगर इसके पास ना भी हो ओके okay? इसके पास ना भी हो तो ऐसे ही नेगोशिएशन करेगी किसी और कंट्री के साथ ऐसे अलायंस बनाएगी कि इसके जो है बराबर के जो वो भी पावरफुल बन जाए तो ये होता है मेनली बैलेंस ऑफ पावर ओके okay? सो so, ये सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हर एक नेशन हर एक एक्टर एक जो है यही ट्राई करेगा कि वो अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर कर जो है वो नेगोशिएशन से या फिर नेगोशिएशन से वो क्या कर सके अपनी पावर्स को जो है वो इंक्रीज़ कर सके डेट इज़ प्रिपेयर टू फाइट रैदर देन पास एन ऑपरचुनिटी टू इंक्रीज़ कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट कहते हर एक एक्टर क्या, क्या करेगा वो इसी इस इसी तरह से प्रिपेयर होगा कि वो अकेले के लिए कि अगर उसको कोई अपर्चुनिटी ऐसी मिल रही है पावरफुल बनने की तो वो उसको ले ठीक है रेडी टू फाइट रहे ना कि वो क्या कर सके अपनी ऑपरचुनिटी को पास कर दे ठीक है कि अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने का मौका जो है वो खो दे ओके okay. नेक्स्ट है नो एक्टर इज़ टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम द एक्टर शुड टर्मिनेट वॉर बिफोर द ओपोनेंट इज एलि एलिमिनेटेड तो इसमें क्या होता है कहते है, कोई भी एक्टर कोई भी नेशन जो है वो सिस्टम से हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते कि अगर कोई अगर ये वर्ल्ड है वर्ल्ड में अगर ये चार नेशन चल रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा कि इसको हम मिलकर ये वाले नेशन को बाहर ही फेंक दें ऐसा नहीं हो कोई भी जो है नेशन सिस्टम से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता ओपोनेंट इज एलिमिनेट ठीक है बिना वॉर के किसी भी नेशन को क्या हम एलिमिनेट uh, जो है वो नहीं कर सकते ओके फोर्थ पॉइंट है एन एक्टर और अ ग्रुप ऑफ एक्टर एक्ट टू अपोज एक्ट टू अपोज एनी अदर ग्रुप और अगल एक्ट दें पावर फुल पोजिशन एंड प्री डोमिनेस विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ दिस्टम का मतलब होता है कि हमने क्या करना है प्रिवेंशन ऑफ फर्दर कोशन करना है मीन्स इसमें इसका का ये मतलब है कि हमने रोकना है ठीक है हमने स्टॉप करना है किस को फर्दर फर्दर कोशन को ठीक है मीन्स हमने और आगे जाके ऐसे नहीं करना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर ईजी करके बताऊँ लाइक यहाँ पर जो है दो ये चार नेशन जो है वो बन रहे हैं ओके तो एक और अलायंस जो है वो आके बनने लग पड़ी तो वो उसको आपने प्री करने नहीं देना ओके तो यही अगर ये चार ही रहेंगे तो ही बैलेंस हो पावर रहेगी अगर कोई और ऐसी नेशन बनते गए बनते गए तो फिर ये जो है काम खराब भी करेंगे ओके सो आई होप आपको यहां पे फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो समझ लग गया होगा अभी हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज र मेड टू चेक द एक्टर हु ट्राई टू फॉलो सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल कहते कि आपको अटैम्प्ट करते रहना चाहिए अटैम्प्ट आर मेड टू चेक अटैम्प्ट ऐसे करते रहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर कि अगर कोई भी नेशन कोई भी एक्टर अगर ट्राई कर रहा है सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बनाने का मीन्स सुपर नेशनल मीन्स सबसे ऊपर ओके तो इसका और मतलब होता है सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि ये और अलायंसिस बनाने की अगर ट्राई कर रहा है बेसिकली अगर और अलायंसिस बनाने का ये ट्राई कर रहा है तो आपको उसको स्टॉप करना पड़ेगा ओके अगर और अलायंसिस बनेंगी फॉर एग्जाम्पल तीन है दो छोटे नेशन और आके इसको ही ज्वाइन कर रहे हैं तो ये वाली जो है क्या बन जाएगा पावरफुल बन जाए है ना क्योंकि यहाँ पे वेटेज ज़्यादा हो जाएगी तो इन तीनों को भी जो है वो ये होगा कि बैलेंस ऑफ पावर एक तरफ जा रही है है ना पावर जो है एक तरफ जा रही है तो दैट विल क्रिएट अ दैट विल नॉट क्रिएट अ गुड इन्वॉयमेंट एट इंटरनेशनल लेवल तो ये भी जो है आगे जाकर दिक्कत करेगी अगला है द डिफीटेड और द डिफीटेड और द कंस्ट्रेंड इनशल फैक्टर्स एक्टर्स आर परमिटेड टू री एंटर द सिस्टम ओके इसका क्या मतलब है कह रही है कि जो डिफीटेड स्टेट है जो डिफीटेड एक्टर है उनको क्या किया जाए परमिटेड टू री एंटर ठीक है परमिटेड टू री एंटर द सिस्टम उनको दोबारा परमिट कर दिया जाए कि वो री एंटर सिस्टम में कर सके ओके okay, तो ये सिक्स प्रिंसिपल थे इजी थे है ना आगे हम करेंगे तो इन्होंने ये भी कहा है कहते द फेलियर टू कीप अप दीज रूल लीड्स टू डिस्टर्बेंस ओके लीड्स टू द डिस्टर्बेंस एंड फाइनली टू एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर तो कहते हैं ये सिक्स रूल्स जो है वो काफ़ी जो है वो होने चाहिए ताकि जो सो so दैट की बैलेंस रहे पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बट अगर ये जो रू ये रूल्स जो है वो पूरे नहीं किए जा रहे तो ये क्या करेंगे डिस्टर्बेंस लाएंगे आपके इंटरनेशनल लेवल पर और देन क्या होगा बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म हो जाएगी ओके okay? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लिखा है जब ये एंड हो गए थे बैलेंस ऑफ पावर के रूल जो है वो अच्छे से फॉलो नहीं किए गए तो इसकी वजह से जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रोकआउट हुई थी 1914 में अब यहाँ पे देखो ये देखो सिक्स जो है प्रिंसिपल ऐसे जो है अगर आप पेपर पे बना के आओगे तो आपके मार्क्स जो है वो कैसे अच्छे नहीं आएंगे तो आप ये ज़रूर बना, बना के आना ये सिक्स जो है प्रिंसिपल उसने यहाँ पे मॉडल बना कर जो है दिए हुए हम टर्न वाइज हमने ये वाला जो है वो कर लिया है अब हम करेंगे लूज बायोपोलर सिस्टम द लूज बायोपोलर सिस्टम क्या है बायोपोलर पे भी जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है ठीक है मैं सभी के जो है वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी बायोपोलर का चैप्टर भी बड़ा इजी है ठीक है जैसे देखो अब बायो का बाय का मतलब क्या होता है जैसे हम बाय साइकिल चलाते हैं ना तो बाय का मतलब क्या होता है जहाँ पर टू ओनली टू जो है वो पावरफुल नेशन हो उसे हम बोलते हैं बायोपोलर मॉडल जब यूनिपोलर आएगा तो मीन सिर्फ एक ही जो है पावरफुल है ओके, okay? सो so, अब हम करेंगे लूज बायोपोलर वर्ल्ड में जो है वो क्या देखेंगे जहाँ पर मेनली बायोपोलर का मतलब क्या होता है जहाँ पे सिर्फ टू पावरफुल नेशन जो है वो आमने सामने चल रही हैं इन दोनों में ही जो है वो पावर इन दोनों में ही जो है वो वॉर या फिर बड़े होने की जो है या फिर पावरफुल नेशन जो है वो ये दो नेशन ही एक लेवल पर काम करेंगे और, और बाकी सारे जो है इनसे कम पावरफुल ही होंगे द ब्रेकिंग डाउन द बैलेंस ऑफ पावर जब बैलेंस ऑफ पावर अब जो ब्रेक हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी तो सिस्टम लीड्स टू द बायोपोलर सिस्टम अब पूरा जो इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है वो अब कहाँ पर चला जाएगा विल कम टू द बैलेंस ऑफ पावर ओके इट हैज़ टू फॉर्म ठीक है तो कहते ये सोचा गया है कि बैलेंस जो बायोपोलर है उस वो दो तरह का होगा एक तो होगा लूज ठीक है एक तो होगा लूज बायोपोलर एंड एक होगा टाइट बायो ओके तो लूज बायोपोलर में क्या होगा जब एग्जिस्टेंस होगी टू पावरफुल नेशन की आर सक्सेसफुली इन ऑर्गेनाइजिंग द अदर नेशन इनटू टू देयर टू रिस्पेक्टिव कंपीटिंग ब्लॉक्स और ग्रुप इसमें क्या होगा मेनली टू नेशंस होंगे जो क्या करेंगे बाकी सारे नेशंस को अपनी तरफ ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपने अंडर लेके आने की कोशिश करेंगे सो दैट कि वो और पावरफुल या फिर उनका कम्पीटिंग ब्लुक जो है वो ब्लॉक जो है वो नीचे हो हम और पावरफुल बने ओके okay? तो लूज़ बायोपोलर में ये होगा हाओ एवर द ऑर्गनाइजेशन ऑफ द ब्लॉक्स इज़ लूज एंड कहते जो ऑर्गनाइज ऑर्गनाइजेशन होंगे दोनों ब्लॉक्स का वो क्या होंगे लूज़ होंगे मतलब इतनी टाइटली जो है वो वर्क नहीं करेंगे इनका जो इंटरनल डि डिफरेंस प्रिवेल अमंग द मेम्बर्स ऑफ ईच ब्लॉक तो जो डिफरेंसिज इन दोनों के होंगे जो जो ब्लॉक्स इनके साथ जो है वो जुड़ते जाएंगे उनके में भी बाके भी ये बोले नेशन के साथ डिफरेंस जो है वो और बढ़ते जाएंगे तो इनमें जो है वो इतना स्ट्रिक्टली इतनी टाइटली काम नहीं होगा लूजली जो है ये काम होगा तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ये वाली लाइन कि लूज बायोपोलर वर्ल्ड कोल्ड वॉर मॉडल जो है इसको ये भी कहा जाता है तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इतना इनफ है आगे है टाइट बायोपोलर वर्ल्ड क्या होता है लिख भी सकते हो आगे कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है तो आप कर भी सकते हो ओके सो नेक्स्ट वन इज़ टाइट बायोपोलर वर्ल्ड जो है वो क्या था अब ये टाइट का मतलब इससे आप समझ रहे हो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली दो ब्रोक्स को जो है वो फॉलो किया जा रहा था ओके द लूज बायोपोलो सिस्टम इजली गेट्स ट्रांसफॉर्म ठीक है अब अगर देखो फॉर एग्जांपल कि दो नेशन थे वो ऐसे हल्के में जो है वो काम कर रहे थे कि तू भी मेरे पास आ जा तू भी मेरे पास आ जा, पास आ जा तो सारे नेशन को कनेक्ट कर रहे थे अब धीरे धीरे क्या हुआ एक नेशन जो है वो बड़ा होता गया बड़ा होता गया ठीक है बड़ा होता गया तो अब अगले वाले को ये भी होगा कि मैंने भी अपने साथ और ग्रुप्स को ऐड करना और नेशन को ऐड करना है तो धीरे धीरे ये जो सिर्फ ऐसे ही काम चल रहा था वो अब टाइटली अब वो सीरियस मैटर हो गया और ये जोरों शोरों से सारे नेशन को अपने साथ जो है वो ऐड करने लग पड़े और दो मेजर ग्रुप बन गए जो कि एक लीडर के साथ रूल किए जाते थे मीनस इन सभी का एक मेन हेड होगा एक मेन कंट्री हेड होगी जैसे दो मेन हेड बन गए थे यूएसए और यूएसएसआर ठीक है और जो सारे छोटे छोटे नेशन इनके साथ ऐड हुए थे वो मेनली रन किए जा रहे थे या चलाए जा रहे थे इन दो मेन हेड के साथ है ना तो ये आ जाएगा टाइट में तो ये आ जाएगा टाइट बायोपोलर वर्ल्ड में कि जो स्ट्रिक्टली अब दो नेशंस होंगे जो कि इनको चलाएंगे और इनको चलाने के लिए ऊपर हेड भी होगा ओके इट इज़ अ बायोपोलर सिस्टम इन विच टू मेजर पावर्स ओके टू मेजर पावर विल लीड द रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ अलाइड पावर्स जो मिल मिलकर सारे ग्रुप बन गए थे वो अलाइड अलायंसेज बन गए थे तो वो अलायंसिस जो है मेनली हैड के साथ या मेजर एक पावर के साथ लीड की जा जा रही थी ठीक है तो वो डोमिनेंट हो रहा था ईच ग्रूप्रुप ईच ब्लॉक या फिर ईच ग्रुप जो है वो डोमिनेंट किया जा रहा था मेजर पावर के साथ ओके okay? तो ये थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वीक एंड देयर आर नो न्यूट्रल ब्लॉक और नेशन तो कहते हैं जो मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं लाइक यूएन ठीक है या फिर जैसे यूएन है ना यूनाइटेड नेशन जो संभालती है अगर दो ऐसे वॉर टाइप चल रहा है या बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वायरमेंट है वो अब ख़राब हो रहा है ठीक है कि दो नेशन ऐसे बट रहे थे तो ये तभी हो रहा था जब क्या होते थे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यू एन जो इन सभी को कंट्रोल करता है ये सब इशूज़ को कंट्रोल करता है वो वीक होगा तभी ऐसी चीज़ें होती हैं तो डैट टाइम जब कहते हैं टाइप बायोपोलर वर्ल्ड वर्ल्ड सिस्टम बन रहा था तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो काफ़ी वीक थी और कोई न्यूट्रल ग्रुप ऐसा नहीं था जो इनको कंट्रोल कर सके ठीक है अगला है द यूनिवर्सल सिस्टम अब यूनिवर्सल फोर्थ मॉडल था यूनिवर्सल सिस्टम इसमें क्या है कहते जो नेशन अब जो है इसके बाद टाइट वाहर के बाद ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें क्या हो जिसमें क्या हुआ जो सारे नेशंस हैं वो किस में ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे फेडरल सिस्टम में ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे विच मींस कि जो वर्ल्ड है वो ट्रांसफॉर हो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा किस में एक फेडरल वर्ल्ड स्टेट में Okay. तो इसमें क्या होगा जो सारे नेशंस है वो ऑपरेशन भी सीख लेंगे और यूनिवर्सल रूल ऑफ लॉ भी वहाँ पे चलेगा और वो वर्क भी करेंगे थ्रू यूनिवर्सल एक्टर और एक अच्छी सी किसके द्वारा वर्क करवाया जाएगा यूनिवर्सल एक्टर कौन सा होगा जो सभी को देखेगा वो होगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इन सभी को जो है वो संभालेगी वॉर को चेक भी करेगी कि वो वॉर चेक भी करेगी और सभी जगह पीस को प्रिजर्व करने का भी ट्राई करेगी इन द इंटरनेशनल रिलेशन मॉडल आएगा दैट इज़ द हयार्कल सिस्टम ओके तो इसमें ये आएगा द हयार्कल सिस्टम में ये आ जाएगा कि अब एक हया मतलब सबसे जो इसमें ऐसा आ जाता है कि एक पावरफुल नेशन फिर उसके नीचे दो छोटे फिर बाकी छोटे फिर ऐसे जो लेवल लेवल चले चलता हुआ आएगा वो होता है हयार्कल सिस्टम तो इसमें क्या होगा एक जो है सुपर पावर कंट्री बन जाएगी जैसे आज के टाइम पर बनी हुई है लाइक सुपर पावर कंट्री जो नाइन्टीन uh, नाइन्टी uh, जो टू थाउजेंड के करीब जो है बननी शुरू हो गई थी दैट इज़ यू जब यू एस ए जब लाइक uh, like, जब यू एस ए ब्रेक हो गया था ठीक है तो यू एस ए ब्रेक होने के बाद सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री रह गई थी जो थी यू एस ए तो दैट टाइम जो सिस्टम चल रहा था पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो था जिसे हम यूनिपोलर भी बोलते हैं और जिसे अब द हाकिल सिस्टम भी हम बोल सकेंगे ओके okay? तो इसमें क्या था कहते ये वाला सच मॉडल जो है तब एग्जिस्ट करेगा जब एक सिंगल पावरफुल कंट्री जो है सिंगल पावरफुल जो है वो कंट्री या फिर एक्टर जिसे बोल रही हैं वो ही चलेगा ठीक है और उसके कंट्रोल में जो है सारे नेशन होंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटीज वगैरह बनेंगी और सारा कुछ इसके अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन होगा द सुपर पावर बिकम द यूनिवर्सल एक्टर ठीक है तो ये जो है पूरे यूनिवर्स का एक्टर एक ही होगा जो ऑब्जर्व करेगा एक्टिविटीज़ या फिर काम सभी के नेशन का कहते इन केस अगर ये वाला सिस्टम एग्जिस्टेंस में आता है थ्रू कॉन्क्वेस्ट इट इज़ अ डायरेक्टिव सिस्टम तो इसे हम क्या बोलते है? बोलेंगे एक डायरेक्टिव सिस्टम होगा बट इफ इट कम्स थ्रो डेमोक्रेटिक मीन्स इट इज़ अ नॉन डायरेक्टिव सिस्टम तो अगर ये डेमोक्रेटिक तरीके से आता है तो ये नॉन डायरेक्टिव सिस्टम होगा ओके सो अपना लास्ट मॉडल है दैट इज द यूनिट वीटो सिस्टम ओके okay, इसका मतलब ये है कि जिसमें जो है सारे नेशन अब इस वाले मॉडल में क्या आएगा इस वाले मॉडल में क्या आ जाएगा मल्टीपोलर मल्टीपोलर जो है वो सिस्टम आ जाएगा मतलब सारे नेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेशन पावरफुल बन के आएंगे जो कि आज के टाइम पे जैसे रशिया यूएसए, यूएसएस सॉरी रशिया यूएसए रशिया इंडिया ओके जापान ये फ्रांस ये सारे अब क्या बन गए एक तरह के पावरफुल नेशन बन गए और सभी के पास इक्वली जो है वो पावर अब चल रही है काफ़ी हद तक जो है वो इक्वली है जिनके पास अब न्यूक्लियर वेपन भी आ जाएंगे और वो एक दूसरे को मीच वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय जो है इक्वली कर सकेंगे है ना तो इस टाइम पर क्या हो जो है वो द इट बिकम स्टेबल वेट ईच स्टेट कैन रिजिस्ट इटैलिएट थ्रेट सिक्स मॉडल था तो ये जो है सिक्स मॉडल मोल्टन कैप्लन ने जो है वो हमें सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के जो है वो दिए थे ओके okay, तो इसमें ये कहा है कि जो फर्स्ट टू मॉडल थे वो क्या थे हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल थी ठीक है तो हिस्ट्री से जो होकर उन्होंने ये फर्स्ट जो है वो टू मॉडल दिए थे बट जो लास्ट फोर थे वो हाइपोथेटिकल थे ठीक है मतलब ऐसा सोचा था कि ऐसे होगा हाइपोथेटिकल थे इनको इन्होंने जो क्या था कोई रिसर्च करके नहीं किया बस ये इनके इनके इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो बता दिया स्केच कर दिया ओके तो इनके अब हम क्रिटिक क्रिटिकल क्रिटिसिज्म जो इंपॉर्टेंट है हर एक मॉडल का बग़ैर क्रिटिसिज्म के जो है आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो कोई भी मॉडल जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा फर्स्ट क्रिटिसिज्म की है वो क्या कि, कि, कि मोर्टन कैप्टेंस मॉडल जो क्या है वो लिमिटेड है इसका मतलब ये है कि कहते काफ़ी जगह पर जो है वो वर्क होता है काफ़ी टाइम पर जो है वो वर्क नहीं हुआ जैसे उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर तो मान लो आ गई ठीक है, बट कहते जो उन्होंने कहा है कि बायो पहले सबसे पहले कौन सा आता है लूज बायोपोलर आता है देन फिर आता है टाइट बायोपोलर है ना बट कहते ऐसा नहीं हुआ जबकि जब 1945 के बाद जो है वो पीरियड आया वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद तब क्या हुआ सबसे पहले कहते टाइट बायोपोलर वर्ल्ड आया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म टू वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी तो उसी टाइम पर जो है वो एक तरह का टाइट बायोपोलर ही शुरू हो गया था कि दो मेजर ग्रुप बन गए थे और उन्हीं के द्वारा यू और यू के साथ लीड हो रहे थे कि ये ख़त्म होती गई तो धीरे धीरे वो क्या होते गए लूज बा, लूज़ बायोपोलर जो है वो बनता गया तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है एक लिमिटेड है कहीं पर लग रहा है कहीं कहीं जगहों जो है ये नहीं सेट हो रहा ओके सो सेकंड वन इज इंप्रेक्टिबिलिटी ऑफ फोर हाइपोथेटिकल मॉडल ऑफ कैप्लान तो इसमें ये कहा है कि उसने दो जो मॉडल है वो तो हिस्ट्री से हिस्टोरिकल है है ना बट जो फोर उन्होंने हाइपोथेटिकल दिए वो उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है ना ऐसी जो है उन्होंने एग्जिस्टेंस में ला दिए अपनी ये मॉडल सो so, इसके लिए ये जो हाइपोथेटिकल मॉडल है वो इम्प्रैक्टिकल हैं और वो इस आ, और वो इफेक्टिवली जो है वो नेशंस पे लगाए नहीं जाते और मॉडल उन्होंने दिए वो जो है इम्प्रैक्टिकल हैं वो आ, रियली जो है वो प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते ये जो उन्होंने फोर प्रैक्टिकल दी बिकॉज इट इज़ इमेजिन है ये ठीक है हाइपोथेटिकली इमेजिड है ये चार तो ये असल में जो है वो रियल लाइफ में जो है वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकते इन बट नेवर कंसीडर टू बी पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल थर्ड वन इज कैल्पन इग्नोर जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर कैल्पन मॉडल ने कहते हैं अब ये जो है अपने वो दे दिए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऐसे वर्क करता है बायपोल बायोपोलर वगैरह पर इन्होंने ये जो जियो स्ट्रैटेजिक फैक्टर हैं लाइक द रोल ऑफ इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पर्सनैलिटी ये सारे फैक्टर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपस में वो टोटली इग्नोर किए हैं फोर्थ है कैल्पन इग्नोर द स्टडी ऑफ नेशनल एंड सब नैशनल फैक्टर कहते इन्होंने क्या किया है जो सब नैशनल मतलब एक नेशन के अंदर और नेशनल लेवल पर जो फैक्टर्स होते हैं उन सभी को जो है इन्होंने इग्नोर किया है तो आप ये लिख सकते हो कि ये वाले ऑथर ने अपनी इस वाली वर्क में ये चीज़ बताई है और इस वाले ऑथर ने अपनी ये वाली बुक में जो है ये चीज़ बताई है तो आप इसमें ये चीज़ लिख सकते हो फिफ फाइव पॉइंट इनफ होते हैं क्रिटिसिज्म के कैल्पन्स एनालिसिस टू जनरल इसमें उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने एनालिसिस किया है वो बड़ा ही ज़्यादा जनरल है ओके okay? उन्होंने क्या किया है उन्होंने अपने जो है मॉडल बता तो दिया एनालिस कर तो लिया है बट वो फेल हुए हैं तो स्पेसिफाई द प्रायरिटी अमंग दीज वेरिएबल कि सबसे पहला जो प्रायरिटी प्रायरिटी में अगर मॉडल लाने में वो है जो है वो फेल हुए हैं ओके द मॉडल आर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड एट टू जनरल लेवल टू बी सच यूज ऑफ ऑर्डरिंग द फैक्ट तो उन्हें जो है फैक्ट पे इतना काम नहीं किया है तो लास्ट में आप इसका कंक्लूजन जो है वो जरूर लिखना कंक्लूजन जो है वो आप अगर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं है ना आई होप आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो ये वीडियो को जो है वो आप लाइक नहीं करते दो मिनट निकाल के इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो थैंक्स फॉर वॉचिंग